ओके लेट्स सी यार, हमने प्रीवियस एकदम वेरी फर्स्ट लेक्चर था, हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया हुआ है वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. सो फर्स्ट लेक्चर में एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ था. ओके देखे, तो फर्स्ट लेक्चर में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा हुआ था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स. सो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, वो डिस्कस करने से पहले हमें ये पॉइंट देखना था कि यूनिट किन के लिए डिफाइन है, किन चीजों के लिए यूनिट की बातें होंगी. तो हमने टर्म क्या यूज किया, फिजिकल क्वांटिटीज. हमने डिफाइन किया फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब एक ऐसी क्वांटिटीज विच विल फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स और जिनको हम मेजर कर सकते हैं. दोज क्वांटिटी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. ओके सो दोज वी नेम्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. फिर हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज के भी देखे कि दो मेजर टाइप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी को, द वन फंडामेंटल एंड द नेक्स्ट वन डिराइव्ड. ओके तो फंडामेंटल क्या था, फंडामेंटल ये था कि जिनको हमने अज्यूम कर लिया कि यार ये तो बेसिक है. ओके ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनको हमें बेसिक अज्यूम करना पड़ेगा. सो बेसिकली दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज विल डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो हमने कितनी फंडामेंटल अब तक अज्यूम की हुई है, 7 फंडामेंटल अज्यूम कर ली हुई है. सो ये हो गई अपन 7 फंडामेंटल. उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज किसमें आ गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज में. या अभी इसके बाद क्या हुआ कि जब डिराइव क्वांटिटीज का डिस्कशन हुआ तो पॉइंट आया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जो बिल्कुल फंडामेंटल जैसी हैं, बट ऑलरेडी हमने फंडामेंटल डिफाइन कर दिए हैं तो हमने उनको क्या नेम दे दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. हाँ हमने उनको नेम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हो गई है. क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो टाइप के एंगल आ गए, एक आ गया प्लेन एंगल और एक आ गया सॉलिड एंगल. ठीक है तो सप्लीमेंट्री में दो टाइप आ गए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और इनको ही हमने मेजर पॉइंट पे डिस्कस किया. ठीक है तो मैं भी इन्हें फिर से डिस्कस करूंगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. उससे पहले मैं बात करता हूँ फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कितनी टफ है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया, रैंडमली ऐसे बोल दिया कि ठीक है ये लेंथ है इसे 1 मीटर बोलते हैं. ठीक है तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये डेट्रॉइट हो सकता है, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमने जो डेफिनेशन डिफाइन की वो कैसी डिफाइन करनी स्टार्ट की, यूनिवर्सल. ओके सो फिर सारी डेफिनेशन ऐसी डिफाइन गई जो यूनिवर्सली रहे, मतलब इवन आफ्टर 1000 मिलियंस ईयर वो सारी चीजें क्या रहे, acceptable. हाँ, उनको हम एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं. ओके ठीक है चले वापस आते हैं, हम अपन एंगल को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं. पहले फिर से एक बार सीख लेते हैं किसे, प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को. ठीक है सो मैं आज जो डिस्कशन करता हूँ नया लेक्चर पे, इन दोनों एंगल्स को मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. ओके यस सर. या सो चले डिस्कस कर लेते हैं फिर. फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूज क्या है और इन पे क्या क्या एजम्पशंस होते हैं. ठीक है तो प्लेन एंगल पे मैंने जो डिस्कस किया हुआ था कि प्लेन एंगल मतलब होता क्या है, सपोज ये एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये एक पर्सन है और ये किसी एक ऑब्जेक्ट को जो कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट है. क्या ऑब्जेक्ट है, लीनियर. लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन में है, उसे हम आई साइट से उसके दो एजेस को जब नोटिस करेंगे तो वो जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं प्लेन एंगल. जब कोई एक लीनियर ऑब्जेक्ट एक एंगल बनाता है तो उसे प्लेनर एंगल बोलते हैं. अगर हम बात करें कि यही एक ऑब्जेक्ट एरियल हो जाए, मतलब इसका कुछ एरिया हो लाइक वॉल और समथिंग, तो फिर वो जो ओवरऑल एंगल बनाएगा उस एंगल को हमने क्या नेम दिया, ये यार ये पूरा फील्ड एंगल है इसे हमने नेम दिया क्या, सॉलिड एंगल. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. इनपे सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन पता है क्या, एजम्पशन. हमें कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, जहां पे एजम्पशन टर्म आ जाता है. हमें पूरी कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, एजम्पशन. तो मुझे लगता है लीनियर और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब इनके फॉर्मूले डिफाइन किए गए तो
तो फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए एंगल को हमेशा कर्व से बनाया गया, मतलब सपोज एक सर्किल की बात करते हैं, क्लियर। तो इस सर्किल की देखें अगर हम, सर आपका माइक बंद हो गया। सर या गॉट इट, या ओके। सो अभी सिचुएशन क्या है कि कभी भी जो हमने एंगल डिफाइन किए वो हमने एक सर्कुलर आर्क से डिफाइन किए हुए, क्या एक आर्क ले लिया ये, तो हमने देखा कि ये अपने सेंटर पे जो एंगल डिफाइन कर रहा है उन पे और इस पे एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है हमें पता है, टोटल अगर हम आर्क की बात करें, ये एक टोटल आर्क तो 2πr होता है, ये सबको पता है। अच्छा yes, sir. और अगर हम बात करें कि सेंटर पे ये पूरा एंगल देखें, ये पूरा एंगल, तो हमें पता है एंगल 360 डिग्री होता है। yes, sir. ठीक, तो हमें इन दोनों में एक रिलेशन लेके आना पड़ेगा ना, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन लाने के लिए हमें एक जरूरत पड़ी कि एंगल को हम डिग्री में ना डिफाइन करके किस पे डिफाइन करें, रेडियन, रेडियन में। तो ये समझे कि हमने रेडियन पे डिफाइन किया, और रेडियन पे लॉजिक क्या होता है कि पाई को हमने बोला 180 डिग्री, तो इसका मतलब 2 पाई मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसका मतलब यार ये आर्क है टोटल एंगल इनटू रेडियस, इसका मतलब जो पूरी सर्कमफेरेंस है वो है टोटल एंगल इनटू रेडियस। तो यहां से एंगल का फॉर्मूला आया कि ये एंगल क्या हो जाएगा, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। एंगल का फॉर्मूला आ गया क्या, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। समझ आया कहां से स्टार्ट हुआ एंगल का फॉर्मूला? यस सर। ओके गुड। तो कभी भी अगर हमें आर्क चाहिए तो हम आर्क निकाल सकते हैं एंगल इनटू रेडियस, मतलब आर इनटू थीटा। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया हुआ था। अब प्रॉब्लम पता है क्या कि हम एंगल डिग्रीज में नहीं रख सकते, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा हमें एंगल किस में रखना है, रेडियन। रेडियन में यार कन्वर्ट करना आपको रफली आना चाहिए। सपोज मैंने बोल दिया 3 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करो, तो अब कॉमन सेंस से नहीं करना कि पाई 180 होता है। अब आप ऐसे सोचने लगोगे तो बहुत ही छोटा नंबर है, नहीं कर पाओगे। सो द बेस्ट थिंग टू कन्वर्ट इट इन रेडियन इज कि क्या होना चाहिए, इसमें पाई होना चाहिए इनटू पाई अपॉन 180। यस, सो हम क्या कर देते हैं इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री। सो आई गेस ये सबको क्लियर हो गया अभी, हाउ टू कन्वर्ट इट इन रेडियन। अभी ये हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, और थीटा यूज कर लेंगे, आर यूज कर लेंगे। तो मुझे लगता है जो बेसिक प्लेन एंगल है उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, है क्या? बेसिक प्लेन एंगल सबको क्लियर? ओके, अब आती है कंफ्यूजन जो होती है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा क्या होता है कि कैन वी यूज दिस एंगल इन अ ट्राइंगल? नो सर, नहीं यूज कर सकते। तो मैं आज जो डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको फिर से प्लेन एंगल को लिखा देता हूँ आपको, और वो जो कंफ्यूजन हो जाती है वो थ्रू आउट कंफ्यूजन ना रहे वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक, सो मैं जो आज पॉइंट कवर करता हूँ वो क्या कवर करने वाला हूँ, प्लेन एंगल से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है, और थ्रू आउट 11th 12th पूरा ये कंफ्यूजन रहती है वो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्या कि प्लेन एंगल जो डिफाइन किया जाता है वो किससे डिफाइन किया जाता है, आर्क से। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ अपना आर्क, ये हुआ अपना रेडियस, और ये हुआ अपना थीटा। हमें किस में लिखना है थीटा को, रेडियन में। थीटा हो गया हमारा रेडियन में, पहली पॉइंट। अगर कभी प्रॉब्लम हो हमें चाहिए रेडियन में, तो हमें पता है रेडियन को कैसे लेके आ सकते हैं, थीटा इन डिग्री 180। वेरी गुड, ठीक है। तो ये अपना रहेगा। अब हमें साफ साफ पता है कि इस फॉर्मूले में रिलेशन क्या है, इस फॉर्मूले का रिलेशन है आर्क अगर हमें चाहिए या एंगल चाहिए, तो एंगल विल बी आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, या फिर अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ, मुझे आर्क चाहिए, तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एंगल इंटू थीटा। यस, थीटा सी लिखते हैं जब भी रेडियन में होता है, तो ऊपर सी लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ तक तो सबको क्लियर था, कंफ्यूजन क्या होता है बताते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि कैन वी यूज दिस ऑन अ ट्रायंगल? सो सपोज वी हैव दिस ट्रायंगल,
ओके दैट्स आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है सेम है, सो वी कैन कॉल इट लेट्स से आर, डन, एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज एल, सो क्या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देन एल विल बी आर इंटू थीटा, इज इट करेक्ट? नो, तो ये याद रखना है, दिस इज टोटली रॉन्ग रॉन्ग. इंस्टेड क्या होगा, वॉट इज करेक्ट, द करेक्ट थिंग इज इन अ सेम आइसोसेल्स ट्रायंगल द करेक्ट यूज ऑफ एंगल विल बी इफ आई मेक इट अ आर्क. समझ आया? यस सर. सो लेट्स से इनसाइड वैल्यू दिस इज एल and the arc is some l dash. L dash is just a name, okay? No, don't worry about it. I am just naming it as a l dash. Okay, arc, I am naming it as a l dash. So now I can use this particular value. Abhi kya ho jayega? L dash we can find. We cannot find l, but we can find l dash as r theta. Everyone clear? Yes, sir. Very good. So ye sabse bada misconception hota hai. कि हमें कहां पर एंगल यूज करना है और कहां पर नहीं यूज करना. अब देखना मिसकॉन्सेप्शन क्यों जनरेट होता है उसका भी रीजन मैं बताता हूं, उसका भी रीजन बताता हूं. क्या अभी होता यह है कि लेट्स थिंक अबाउट इट अ मोर. सपोज लेट्स टेक अ सर्कल एंड लेट्स पिक अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ इट लेस देन अ डिग्री. अभी मैंने जो फिगर में बनाया वो तो काफी ज्यादा है, बट लेट्स से इवन लेस देन अ डिग्री की हम बात करें, तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड आर्क? नो सर. ओके सो आई एम राइटिंग इट हियर, बट ये यही मिसकॉन्सेप्शन है. स्टूडेंट को लगता है सर समझ नहीं आता कि स्ट्रेट लाइन लेना है या आर्क लेना है. अभी मैं तुरंत लिख देता हूँ क्या, बट फॉर very small angles और कितना small तक less than a degree not a degree less than 5 degree will be enough. less than a degree is okay but 5 degree तक हम कर सकते हैं, approximation we call it. okay so but for very small angles less than 5 degree we can approximate we can approximately say that L will be equal to L dash. L and L dash are just name, don't worry. And these curly equals are called approximately equal. आपने मैथ में सुना है? सॉरी मैथ में आप लोग नहीं सुनोगे, फिजिक्स में ये टर्म देखोगे. सपोज मैं बोल रहा हूँ L is equal to 2, मतलब L की वैल्यू कितनी है? Two. और अगर मैं ऐसे curly equals लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है L की वैल्यू? L is approximately two. Yeah. Okay, very good. So ये लिखने की ज़रूरत है या अभी समझ गए आप? समझ गए. Okay. तो ये होगा. इसका मतलब ये होगा कि even if the angle is small, this is r and this is theta. And this is L. So you can even consider L or L dash. L dash देखो ना बिल्कुल यही दिखेगा, कुछ भी difference खास नहीं आएगा. आएगा क्या? ये L dash हुआ और अंदर जो blue color में draw है वो क्या है? L. तो फर्क नहीं पड़ता, both things will be correct. मतलब क्या? L will be R theta or I can say L dash will be R theta. R theta. ठीक? So अभी मुझे लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन वैल्यू में स्लाइट डिफरेंस आएगा ना, स्लाइट डिफरेंस आएगा, वो इग्नोर कर रहे हैं ना. अभी तो बताया कि 5 डिग्री तक हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा यार, ऐसा डिफरेंस आएगा कि 5 डिग्री में मतलब कुछ ऐसा कि अगर एल की वैल्यू आ रही है लेट्स से 35 सेंटीमीटर, सो ज्यादा से ज्यादा एल डैश की वैल्यू आएगी 35.05 सेंटीमीटर. सो 5% से कम की एरर है जो हम इग्नोर कर सकते हैं. ओके देख लीजिए मैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी. अभी क्लियर है सबको?
यस सर यस सर यस यस सर ओके चले तो प्लेन एंगल मुझे लग रहा है ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। तो मैं बताता हूँ क्यों मैं ये प्लेन एंगल को फिर से सिखा रहा था। अच्छा सेम चीज सॉलिड एंगल पे बट मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सॉलिड एंगल का भी इतना यूज नहीं है, हम क्लास ट्वेल्थ में यूज करते हैं तो वहां पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉलिड एंगल में भी सेम चीज है, एक वॉल ले ली मतलब एक एरिया ले लिया। अगर आप रेक्टेंगुलर एरिया लेंगे तो काम नहीं बनेगा, आपको एरिया कैसा लेना चाहिए था, ऐसा स्क्वायर कर्ड स्फीयर। अच्छा ओके स्फीयर स्फीयर मतलब ये स्फीयर है तो हम देखेंगे, और वही पे अगर एक वॉल ले लोगे तो ऐसा रहेगा। तो सेम चीज सॉलिड एंगल पे भी वैलिड है, अगर एक वॉल ऐसे लोगे तो डिफरेंट एंगल रहेगा जबकि कर्व अलग एंगल बनाएगा। ओके तो सॉलिड एंगल में भी सेम सिनेरियो होगा जो कि आर्क पे हुआ है। अगर एंगल कम है देन वी कैन कंसिडर कि स्क्वायर हो या फिर सर्कुलर हो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके तो एंगल अभी हमारा क्लियर है, अब हम इसका यूज देखते हैं कि यूज क्या है। यूज है बहुत बड़े बड़े मेजरमेंट्स करने के लिए, ठीक। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। सपोज हमें क्या मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, हमें सपोज मेजर करना है कि सन की डिस्टेंस या किसी भी स्टार की डिस्टेंस है तो कैसे मेजर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है क्या मेजर करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ सन, यस सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ या सन और आई विल से स्टार्स, ये हम मेजर करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है, हम इसी आर्क और ये सारी चीजों का लॉजिक यूज करते हैं। क्या करते हैं यार, सोचो सन यहाँ पर है, अगर आप या कोई स्टार यहाँ पर है, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखो तो अर्थ तो बिल्कुल एक पार्टिकल से भी छोटा दिखेगा ना। यस यस अगर आप इसके रेस्पेक्ट में अर्थ का एंगल देखोगे जब ये इतनी दूर है तो ये एंगल तो बहुत कम बनेगा ना। इसका मतलब देखें हम क्या करेंगे, मैं फिगर में बड़ा बना रहा हूं बट समझें कि वो रियल में ऐसा बड़ा नहीं है, ये अर्थ है, ठीक है। सो ये हुआ अर्थ। अब हम क्या करते हैं कि पैरेलेक्स मेथड यूज करते हैं। देखिए पैरेलेक्स मेथड क्या था, मैंने बताया था कि एंगल मेजर करने का एक मेथड होता है पैरेलेक्स मेथड। वो क्या है, वो चेक करता है कि किसी पॉइंट से कोई चीज कितनी शिफ्ट होती है। मतलब जब मैंने ये ऑब्जेक्ट था, जब मैंने इसे राइट आई क्लोज करके देखा था तो इसकी पोजीशन एकदम फिक्स दिखी, जब मैंने लेफ्ट आई क्लोज की तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। वो जो शिफ्ट होता है वो ही बताता है कि कितना एंगल बनाने वाला है। मतलब हमारी आईज के बीच में जितना गैप है उतना ही ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट होता है। तो उस शिफ्टिंग को मेजर करके हमें पता है कि कितना शिफ्ट हुआ, मतलब अभी यहाँ पर था और हमें पता है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमें शिफ्ट पता है और डिस्टेंस पता है तो हम एंगल निकाल सकते हैं ना कि कितना एंगल शिफ्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, पैरेलेक्स मेथड। तो अब मैं पैरेलेक्स मेथड को ऐसा पूरा डिटेल पे नहीं लिखूंगा, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन लोगों ने सुन लिया व्हाट इज एक्चुअली पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड इससे हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं, अभी आईज के रेस्पेक्ट में देखो तो आप देख सकते हो, लेकिन सोचो आप आईज से एक बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट के, सपोज एक ट्री है, ठीक है, बहुत दूर पर क्या है, एक बिल्डिंग है कोई एक, आप उस बिल्डिंग पे यही पैरेलेक्स मेथड का ट्राई करो, आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं फील होगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही दूर है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमारी आईज के बीच का जो गैप है दैट इज नॉट इनफ टू ऑब्जर्व दिस एंगल। सो हम क्या करते हैं, जब स्टार्स को डिस्कस करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम दो ऑब्जर्वेटरीज सेट करते हैं, अर्थ के एक कॉर्नर पे और डायमेट्रिकली दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टार का एंगल मेजर करते हैं, स्टार का एंगल, सन स्टार कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए तो हमें दो लाइन चाहिए ना,
याद है? यस सर। हाँ तो हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस किसे लेते हैं? ए आर बी को। नहीं नहीं ए और बी रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस लेते हैं वेरी फार स्टार। वेरी फार स्टार मतलब क्या करते हैं, एक बहुत ही दूर वाले ऑब्जेक्ट से रेफरेंस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोचो आप अभी आप यहाँ पर हो, लेट से आप इस प्लेटफॉर्म पर हो और आप एक ऑब्जेक्ट को नोटिस करो जो कि बहुत ही दूर है। तो जब आप यहाँ पर हो और आप मूव कर रहे हो, क्या वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मूव होगा क्या? नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशन ऑफ सन। सपोज सन आप देख रहे हो, आप यहाँ पर हो ठीक है, और ये हॉरिजन है, आपने बताया कि सन का एंगल इतना है, क्लियर? आपने बताया कि सन का एंगल इतना है। तो सपोज अभी टाइमिंग कितनी है, अभी मैं बात कर रहा हूँ 9:30 है। सो आपने बात किया क्या 9:30 पर सन की पोजीशन कुछ इतनी है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजन, क्लियर? अब आप कॉल करो अपने फ्रेंड को जो कि आपसे 10 किलोमीटर दूर है, तो वो भी क्या एंगल मेजर करेगा? वो डिफरेंट मेजर करेगा क्या? नो सर। नहीं, सेम मेजर करेगा। अब आप किसी अपने फ्रेंड को फोन करो जो कि आपसे 1000 किलोमीटर अवे है, क्या लगता है उसको भी सेम एंगल दिख रहा होगा? स्लाइट चेंज होगा। एग्जैक्टली, स्लाइट चेंज होगा। तो मतलब विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ जब आप देखोगे तो स्लाइट चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, ये बहुत ही कम थी विद रेस्पेक्ट टू सन, बट ये डिस्टेंस जब 1000 किलोमीटर हो गई तो थोड़ा कंपेरेटिवली डिफरेंस दिखा हमें। तो सोचो हम इतनी दूर का स्टार रेफरेंस ले लेते हैं कि इवन 10 किलोमीटर, इवन 1000 किलोमीटर, इवन 10,000 किलोमीटर तक भी कोई डिफरेंस नहीं आता। समझ आया? यस सर। हाँ, yes, sir. तो इसलिए हमने ये पॉइंट समझा यहाँ पर, yes, कि हमने एक बहुत ही दूर का स्टार ले लिया जो कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली क्या, एकदम ओवरहेड, हमारे सर के एकदम ऊपर जो स्टार दिख रहा था फार्देस्ट स्टार, उसको हमने रेफरेंस ले लिया। तो सोचो जब हम अर्थ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ भी पहुंच जाएंगे, क्या वो स्टार बदलेगा क्या? नहीं, वो अभी भी हमारे सर के ऊपर ही दिखेगा, क्लियर ना? These black dots will become our reference line. हमेशा बहुत ही दूर वाले स्टार से रेफरेंस ले लेते हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब उससे हमने सन को मेजर करने का ट्राई किया, उससे अपन मेजर करेंगे कि सन पे कितना एंगल बन रहा है। ये बन जाएगा अपन थीटा वन, दिस इज अवर फर्स्ट एंगल, ओके? देन अगेन विद द सेम फार्देस्ट स्टार हम फिर से सन को देखेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑन अर्थ, वो क्या बन जाएगा? थीटा टू। So what can you say, what angle is this with simple theta geometry? You can say two. Yes, so geometry se bol sakte hain this theta, by geometry I can say that theta will be theta 1 plus theta 2, aur is theta ko hi kya bolte hain apan, parallax angle. Okay, so mujhe lagta hai angle ke bare mein pata chal gaya sabko. Aur ये एंगल इतना कम है क्या, ये एंगल इतना कम है कि ये जो मैंने आपको रूल बताया था ना कि अगर एंगल कम है, एंगल बहुत ही छोटा, इस फिगर में बड़ा दिख रहा है बट ये एंगल बहुत ही कम होता है, तो इस कर्व को भी हम क्या मान सकते हैं? लाइन। तो क्या मुझे इस पे आर्क के लिए ये वाला आर्क लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, हम ए बी डायमीटर भी यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। तो टिल थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री, आर्क ए बी को, आर्क ए बी को हम किसके इक्वल मान सकते हैं? लाइन ए बी के, क्लियर ना? हाँ, और ए बी क्या है एग्जैक्टली? डायमीटर ऑफ अर्थ। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, पता है आपको अर्थ का रेडियस एंड डायमीटर? अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अच्छा, कभी भी हम फिजिक्स में डिफरेंट यूनिट यूज नहीं करते हैं, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा यूनिट्स में।
ओके तो कितना रहेगा ये, इसे हम किलोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये आ जाता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। टेंशन नहीं लेना, इसे मैं अभी आज सिखाने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट अ यूनिट इनटू डिफरेंट यूनिट। ओके जस्ट अभी के लिए रेफरेंस के लिए देखेंगे ये। तो यहाँ से मैं फिर निकाल सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार फ्रॉम द सन। क्लियर? यस सर। ओके तो मैं यहाँ पे बात करूंगा डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। वो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, हम इसे एज अ कर्वेचर मान सकते हैं इस तरीके से। सो ये हुआ क्या थीटा, ये हुई डिस्टेंस, और ये क्या हुई अर्थ की रेडियस की ट्वाइस। क्लियर? इसे हम नेम दे रहे हैं ए बी। ए बी की वैल्यू आप समझ गए, तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, थीटा इज इक्वल टू आर कोर डी रेडियस, या आर कोर अब मैं वैल्यू डी लिख दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डी से डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया हुआ है। तो डी कितना आ जाएगा, इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट क्या इसमें? नो सर। अभी ये रीजन समझ आया कि मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया था, स्टूडेंट को कभी नहीं समझ आता कि सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने, अर्थ के डायमीटर को कैसे यूज कर लिया आपने, ये कर्व क्यों नहीं लिया, रहता है ना डाउट। बट अभी आप लोग को क्लियर है कि हमने ऐसा क्यों किया, फिगर में देख के नहीं लग रहा। जब आप बुक रीड करोगे तब भी आपको कंफ्यूजन आएगा, फिगर में देख के नहीं फील होता, बट हमें पता है कि हम जब तक ऐसे स्टार की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जो कि किससे कम है, 5 डिग्री से कम है, until then we can approximate this thing. Sir, हाँ बट वो आर्क फाइंड करना कितना डिफिकल्ट नहीं होगा ना, तो हम लोग माइन्यूट एरर्स क्यों रखते हैं? नहीं, वही मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि वो जो आर्क है अब देखना यार। हाँ बहुत ही अच्छा डाउट यार, ये अर्थ था और ये मैंने डिस्टेंस ली। वो जो आर्क है ना, ये जो हम यूज करने वाले हैं, वो अर्थ का ये वाला आर्क नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन मत लेके आओ, इस वाली रेडियस का आर्क है वो कुछ ऐसा होगा। समझ आया? हाँ, वो बहुत ही मतलब, हाँ वो अर्थ का आर्क नहीं है, वो इस डिस्टेंस का आर्क है। क्लियर? यस सर। इस फिगर को भी रहने दूं क्या, जिससे क्लियर रहे कि किस वाले आर्क की बात हो रही है? ओके तो ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं ले कि आर्क, अर्थ में तो पता है ना मैं 2πr का हाफ मतलब कितना आ जाएगा पाई आर, बट हम पाई आर नहीं लेंगे, पाई आर तो ये ब्लू वाला होगा, जबकि वो जो एंगल और आर्क में आर्क होता है वो कौन सा होता है, इस डिस्टेंस का आर्क होता है। ओके क्लियर ना सब लोग? यस सर। हाँ ठीक है, इस फिगर को भी यहीं पे ही बना के रख देते हैं जिससे क्लियर रहेगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर एग्जांपल के थ्रू और क्लियरिटी आ जाएगी कि मैथमेटिकल सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं। ओके सो क्वेश्चन ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार which has a parallax angle, which has a parallax angle of 1 degree 30 minute. So 1 degree 30 minute from two diametrically opposite points on Earth. Diametrically opposite points on Earth. On Earth. Okay. और आपको given है, given radius of Earth कितनी है, किसी को याद हुआ क्या? 6400 किलोमीटर।
वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। कितना? 6400 किलोमीटर। ओके, सो गिवन रेडियस ऑफ अर्थ आर, बट हमें यूज किस में करना होता है? मीटर वाले में। तो आंसर हमारे किस में आएंगे? मीटर्स में। अगर आप किलोमीटर में 6.4 × 10⁶ मीटर। यस, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें, फास्ट सॉल्व करें इसे फिर। लेट्स सॉल्व फॉर द वैल्यू। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, ये एंगल किस में है? पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रेडियन में। सो टोटल एंगल पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना है? 1 degree and 30 minutes। तो पहले तो इसे पूरा डिग्री में कन्वर्ट करो ना। तो इसका मतलब कितना है? 1 + 30 minutes को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30/60। ये किसमें आ जाएगा? डिग्री में। क्लियर ना? यस सर। हाँ, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे पता है, बिकॉज 1 minute इज इक्वल टू, सॉरी, बिकॉज 60 minutes इज इक्वल टू, माय मिस्टेक, 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes। मतलब 1 degree इज इक्वल टू 60 dash। तो अगर मुझे चाहिए 1 dash इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/60 degree। इस तरीके से हमने 1/60 कर लिया यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 1 + ये कितना आ गया? 1/2, मतलब 0.5। कितना हो गया? 1.5 degree। नाउ एंगल इन रेडियन क्या हो जाएगा? रेडियन। So 1.5 × π/180। So अगर कभी कंफ्यूजन रहे तो इस पॉइंट वाले को फ्रैक्शन में लिख लिया करो, तो और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। So 1.5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो और क्लियरिटी कितनी आ गई? कि पाई बाय कितना आ गया? 120। ये आ गया अपना रेडियन में एंगल। सो हमारा एक काम बन गया कि पहला पॉइंट था क्या, क्या हमें कन्वर्ट करना था? एंगल को रेडियन में, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना। ओके, अभी क्या है? अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो अभी यूज कर सकते हैं ना कॉन्सेप्ट ये वाला, कि वो कितना पैरेलेक्स एंगल बना रहा है फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन अर्थ। ओके, सो टू फाइंड दिस डिस्टेंस डी, आई कैन से कि ये पॉइंट क्या है? ए बी, और ये क्या है अपना? थीटा। सो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। सो देन अपना डी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन थीटा। ए बी अपॉन थीटा, थीटा। और ए बी की वैल्यू अभी हमने देखी 2 × 6.4 × 10⁶। ये ठीक, अपॉन डी कितना हो जाएगा? पाई बाय 120। सॉरी, थीटा यहाँ पे। सो 120 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 240 डिवाइड बाय दिस। सो डी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 240 × 6.4 × 10⁶ अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 × 10⁶ meters। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मैं सॉल्विंग पे इतना पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट आइडिया था कि कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे अपने डिफरेंट लोकेशन का निकाल सकते हैं एंगल। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको क्वेश्चन रहेगा, एग्जैक्ट एंगल दिया होगा कि हमारा सन कितने एंगल में बना रहा है, और उस एंगल के अकॉर्डिंग सन की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑर्बिट वैल्यू ले ली है, तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या है कि अभी हमने डिस्टेंस ऑफ स्टार्स देखी है, अब हम क्या देख लेते हैं दूसरा? साइज ऑफ प्लैनेट्स। साइज ऑफ प्लैनेट्स। ओके,
है, साइज ऑफ प्लैनेट का मतलब क्या है, उनका डायमीटर फाइंड करना, ठीक है, साइज ऑफ प्लैनेट का मतलब क्या है, उनका डायमीटर फाइंड करना। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन। सो साइज ऑफ प्लैनेट देखें, साइज ऑफ प्लैनेट मतलब क्या है, हमें उनका डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर चाहिए मतलब अब गड़बड़ हो गई। अगर सोचो ये अर्थ है और ये वो प्लैनेट है, वो बड़ा है अर्थ से या छोटा भी हो सकता है, नहीं पता हमें, बट हमें उसका साइज चाहिए ये। तो अभी ये पॉइंट तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कि अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आप किसी पॉइंट को तो टारगेट करोगे, लेट से आपने सेंटर को टारगेट किया ऐसे, ठीक, यहां से सेंटर को टारगेट किया, क्या आप इस डिस्टेंस के बारे में कुछ भी कमेंट कर पाओगे क्या? नो सर। नो सर। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं कि उस प्लैनेट की डिस्टेंस कितनी है। पहले हम फाइंड क्या करते हैं, उस प्लैनेट की डिस्टेंस कितनी है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अर्थ पर किसी एक पॉइंट पर ही आ जाते हैं। क्लियर, मतलब अर्थ पर इस पॉइंट पर आ गए और इस पॉइंट से उस प्लैनेट के दो एजेस का एंगल चेक करते हैं। समझ आया क्या करते हैं? पहले तो हमने क्या फाइंड कर ली, डिस्टेंस फाइंड कर ली। सो फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट मेथड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इज कैलकुलेटेड। ओके, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जो डी है वो क्या हो जाता है, नोन हो जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे अर्थ पे खड़े हो जाते हैं, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, और नया थीटा एक लेते हैं, क्या उस प्लैनेट के डिफरेंट एंगल पॉइंट्स से। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस बार डी हमें पता है, डी हमें पता है, और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी एंड क्यू, क्या मान लेते हैं, पी एंड क्यू, और इस एंगल का नेम थीटा की जगह क्या दे देते हैं, अल्फा, जिससे कंफ्यूजन ना हो, प्रीवियस वाले थीटा से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हम अर्थ पे किसी एक पॉइंट से उसके दोनों एंगल मेजर करते हैं और वहां पर लगा सकते हैं ये वैल्यू, क्या एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। ओके, तो यहाँ पर रेडियस क्या है, डी, वो जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी कि अर्थ से कितना दूर है। सो एंगल कितना है, अल्फा, आर्क की वैल्यू यहां से आ जाएगी, आर्क विच इज पी क्यू, नहीं, आर्क विच इज पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल अल्फा इनटू डी। क्लियर, और ये जो आर्क आया है यही पी क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर फर्क नहीं पड़ रहा क्या, कि पहले एक्सपेरिमेंट जो डी हमने निकाला था वो कहां से निकाला था, इन दोनों पॉइंट से, याद है? हाँ सर। हाँ सर, है ना। और अभी लग रहा होगा कि सर यहां से डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वही मैं बताना चाह रहा हूं कि अर्थ की रेडियस इस डी के रेस्पेक्ट में बहुत ही क्या है, कम है, बहुत ही कम है। मतलब इट इज लाइक, समझना, इट इज लाइक कि डिस्टेंस है 1, 2, 5, 0, 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
10 टू द पावर 9 जीरो, जबकि अर्थ की रेडियस क्या होगी 64. क्लियर? यस सर. तो सोचो यार, इतने बड़े नंबर में यहाँ पर कुछ थोड़ा ऐड भी कर दोगे तो क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्या? इट इज लाइक 12 बिलियन है, 12 बिलियन में आप सम थाउजेंड्स या 0.1 मिलियन चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या 12 बिलियन में? नहीं. तो कंसिडरेबली इग्नोर कर सकते हैं हम, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप अर्थ पे कहाँ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. अच्छा, कभी सन की डिस्टेंस सुनते हो कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, तो क्या कुछ बताया जाता है क्या कि इंडिया से कितना है और ग्रीनलैंड से कितना है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या?
सीधे बोलते हैं अर्थ से इतना है, क्यों? क्योंकि उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अर्थ की डिस्टेंस रेडियस जो है बिल्कुल भी नेग्लेजिबल है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप अर्थ में कहां से मेजर कर रहे हो। तो इसलिए इस चीज को मैं लिख नहीं सकता, बट मैं बता देता हूं कि रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी लेस कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट। और स्टूडेंट को ये लाइन कभी समझ नहीं आती, कई बार बुक्स में ये लाइन लिखी होती है कि सर ऐसा क्यों लिखा है। मुझे लगता है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि ये लाइन क्यों लिखता है। ये लाइन इसलिए लिखता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप अर्थ में यहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से मेजर कर रहे हैं, या यहां से मेजर कर रहे हैं, ओके। सारी ही डिस्टेंसेस को हम क्या लिखेंगे, डी। क्लैरिटी समझ आया? क्योंकि हम बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, इस आर्क को भी हम अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं, तो इतने सारे अप्रोक्सीमेशन है, फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों को हम प्रिसाइज नहीं मेजर कर सकते। तो ये दोनों मेजरमेंट्स के बारे में जो एंगल से रिलेटेड थी, सबको समझ में आ गई? यस सर। ओके यस सर, ठीक है। तो जब अब आगे हम यूनिट्स देखेंगे, यूनिट्स में अभी हमने लेंथ की, लार्ज डिस्टेंसेस की बात की, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस हैं, उन्हें हमें पता होना चाहिए। सो वो इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज मी सर, या सर प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें डायमीटर बोला था, बट हमने रेडियस कंसीडर किया, वैसे क्यों? मतलब ए बी जो है वो डायमीटर है ना, डायमीटर है, तो हमने रेडियस नहीं कंसीडर किया, हमने इसमें टू टाइम्स को मल्टीप्लाई किया ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ यस, हाँ ओके। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दोनों पार्ट सबको समझ आ गए ना? हाँ सर। यस सर। ओके देखें, सो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, दो तीन इम्पोर्टेंट टर्म है। नंबर वन, वो इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? नंबर वन है लाइट ईयर, क्योंकि हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं ना। सो लार्ज डिस्टेंसेस में लाइट ईयर, लाइट ईयर बताएगा कोई, व्हाट इज लाइट ईयर? एक लाइट ईयर टाइम टेक्स टू लाइट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। यस, वेरी फाइन। सो सी, इन सिंपल वर्ड इट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, by light in one year, in one year, okay, so it is like distance traveled by light in one year। कैसे calculate कर सकते हैं इसका मतलब, distance कैसे calculate करते हैं हम? Distance is equal to speed into time, speed into time, speed into time, okay। So distance is equal to speed into time। Light की speed कितनी use कर सकते हैं? 3 × 10⁻¹⁸ meter per second। हाँ, meter per second में। तो इसका मतलब time हमें किस unit में use करना चाहिए? Second में। So अब हमें one year चाहिए ना यार। One year में second में convert करो। One year में पहले days कितने हैं? 365 days। और एक day में, single day में hour कितने हैं? 24 hour। और एक आर में सेकंड्स कितने? 3600। हाँ, 16 × 60, 3600। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, सो इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो वैल्यू आती है, ये डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है, उसे मैं लिख सकता हूँ कि हमारा वन लाइट ईयर वो वन लाइट ईयर किस चीज के इक्विवेलेंट रहता है? इन मीटर्स हम बोल सकते हैं, ये इक्वल होता है 9.46 × 10⁵ मीटर, इसके इक्वल रहता है। तो ये हमारा पहला सबसे लार्ज यूनिट बन जाता है क्या, वन लाइट ईयर। तो ये काफी लार्ज यूनिट है, किसके
किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। बट हम जो यूनिवर्स में चीजें देखते हैं वो हम कहां से ऑब्जर्व करते हैं? अर्थ से। तो अर्थ से हम रेफरेंस किसको ले लेते हैं फिर? नेक्स्ट सन को। तो अर्थ और सन के बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये लाइट ईयर ठीक है, लाइट ईयर एक अच्छा यूनिट है, लाइट ईयर एक सबसे बड़ा यूनिट है, बट लाइट ईयर के साथ साथ हम एक नया यूनिट डिफाइन करते हैं, क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा AU। अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये बहुत ही पहले से डिफाइन किया हुआ है, मतलब जो हमारे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन पे बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते थे उन्होंने सन को ही रेफरेंस मान के सॉल्व किया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है कैसे डिफाइन है? आपको पता है कि अर्थ अराउंड द सन कैसी मोशन कर रही है? इलेप्टिकल। यस। और सन कुछ यहाँ पर उसके फोकस पे है, ये है सन और ये है यहाँ पर अर्थ, क्लियर। तो अर्थ अराउंड द सन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सो हमने देखा कि सबसे क्लोजेस्ट कब थी, सॉरी ये सबसे क्या है, फार्देस्ट। इसे मान लेते हैं क्या, R1। तो हमने एक बार देखा कि सन हमसे सबसे ज्यादा फार्देस्ट कब था, मतलब एकदम सबसे पीक विंटर सीजन पे, और एक बार चेक किया कि सन हमसे क्लोजेस्ट कब था, नियरेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया नियरेस्ट। कोई बता सकता है इस पोजीशन के, इस पर्टिकुलर नेम भी होते हैं ग्रेविटेशन में, किसी ने सुना है क्या कि व्हाट आर द क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट पोजीशन आर कॉल्ड? पता है? अपोजी एंड पेरिजी। हां यस सर, अपोजी एंड पेरिजी। अपोजी एंड पेरिजी। सो ये दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको नेम दे दिया R2। तो हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस हाफ को, इस हाफ को उन्होंने क्या ले लिया अपना, रेफरेंस। सो इस हाफ को ही उन्होंने क्या नेम दे दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो बेसिकली उन्होंने इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या नेम दे दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लियर। हाँ देखिए मैं फिर से बताता हूँ, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस थी सबसे फार्देस्ट और सबसे क्लोजेस्ट, उसका क्या ले लिया उन लोगों ने, एवरेज ले लिया। मतलब मैं बात करता हूँ क्या कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज ऑफ फार्देस्ट एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लियर। सो मैं इसको डेफिनेशन वाइज भी लिख देता हूँ। डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे, इट इज the average, it is the average distance of earth from sun, okay, yes sir, with sun being at center। सन यार सेंटर पे तो है नहीं, बट हम उसे मान लेते हैं कि सेंटर से हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे निकाला उन लोगों ने, वो निकाला R1 प्लस R2 बाई 2 से, क्लियर। हाँ तो इस तरीके से वो निकाली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वो हम डिफाइन है ऑलरेडी, वो निकाल सकते हैं, वो देखें। और ये आपको थोड़ी सी लर्न रखनी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU कितनी होती है, 1.496 × 10⁻¹¹, ठीक है। सो ऑल्दो लाइट ईयर एक बड़ा यूनिट है, बट जो एंशियंट साइंटिस्ट थे उन लोगों ने मोस्टली क्या यूज किया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को रेफरेंस लिया, सन के एवरेज डिस्टेंस को रेफरेंस लेके बहुत सारी कैलकुलेशन दी। तो ऑल्दो लाइट ईयर हमारी बड़ी यूनिट है, बट हमें जो प्रीवियस डेटा है वो किस पे बेस्ड है,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस टर्म पे बेस्ड है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे. क्लियर? यस सर. हाँ, उस टाइम पे उन्होंने अर्थ और सन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पैरेलेक्स मेथड ही यूज किया था. एग्जैक्टली तो इसलिए ये चीजें एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड है सारी चीजें. ओके हाँ. थर्ड पॉइंट है, एक और फेमस डिस्टेंस है जो आपको पूछी जाती है, जो एंशियंट टाइम पे यूज की गई थी. दैट डिस्टेंस इज पार्सेक. क्लियर ना? सो पहला टर्म हमने क्या डिस्कस किया? लाइट ईयर. ओके. दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. थर्ड टर्म इज पार्सेक. ओके जस्ट अ मिनट. ओके देखिए यार, पार्सेक कैसे डिफाइन रहता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को रेफरेंस लेके क्या डिफाइन किया जाता है? पार्सेक. मतलब अभी मैंने बोला कि जब हम दूर की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दूर के स्टार्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सन को भी हम नियरली कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं? सेंटर पे कंसिडर. यस. और ये हो गया हमारा अर्थ. ठीक. सो अभी पार्सेक कैसे डिफाइन है? पार्सेक डिफाइन है, सपोज एक स्टार ले लेते हैं जो कि बहुत दूर है अर्थ से. ठीक. सो ये हमने ले लिया स्टार. अब ये जो स्टार का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पार्सेक अगर ये स्टार इन दोनों के बीच में, किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में कितना एंगल बनाए? 1 सेकेंड का एंगल बनाए. मतलब समझो आप कितना दूर हो गया. 5 डिग्री तक हम बातें कर रहे थे, अभी 5 डिग्री से हम 1 डिग्री में आ गए, डिग्री से हम मिनट में आ गए, और मिनट से हम सेकंड में आ गए. सेकंड में इतना छोटा वैल्यू, मतलब इतने दूर के स्टार को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पार्सेक. क्लियर? यस सर. तो मैं लिख देता हूं कि पार्सेक क्या है. पार्सेक a distance which will make angle of 1 second on 1 astronomical unit. Okay? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ अपना क्या 1 AU, और अगर ये थीटा कितना है? अगर ये थीटा है कितना? 1 second. So इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, इसे बोलेंगे 1 parsec. So ये जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे क्या? 1 parsec. Sir, it is equal to how many meter? कर लेते हैं, इसमें इतना क्या टेंशन है, सॉल्व कर लेते हैं फिर. अगर हमें करना है कि ये कितना होता है, तो एंगल वाला लॉजिक लगा देते हैं. क्या था एंगल वाला? एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर डिवाइडेड बाय रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. ठीक. तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियस को ही हम पार्सेक बोल रहे हैं. सो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन एंगल. एंगल और कर लेते हैं, ये रेडियस को बोलते हैं 1 parsec. So ये हो जाएगा arc. Arc कितना है? 1 astronomical unit divide by angle कितना है? 1 second. So 1 second तो use नहीं कर सकते हम value लाने के लिए. Value लाने के लिए हमें divide करना पड़ेगा. So 1 astronomical unit divided by 1 second को convert कर लेते हैं. तो 1 second में किसका divide करना पड़ेगा? 3600. अच्छा, ये अभी किसमें आया? Unit क्या है अभी इसका? Degree. डिग्री. तो हम इसे क्या करें फिर? इनटू पाई अपॉन 180. इनटू पाई अपॉन 180. देख रहे हो कितना छोटा होता जा रहा है ये वैल्यू? यस सर. ये पूरी वैल्यू ऊपर आएगी ना मल्टीप्लाई में AU के. सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या था? 10^11 में ना. सो ये 1 पार्सेक की फाइनल अगर आप सॉल्व करोगे, 1 पार्सेक की वैल्यू सॉल्व करोगे,
तो इतने जीरोस और ऐड हो जाते हैं किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ये यूनिट आता है नियर अबाउट 3.08 × 10⁻⁶। याद करने की जरूरत नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नियर अबाउट किसके आती है, लाइट ईयर के। लाइट ईयर 9 है, इसमें अगर आप 2 या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁶ में जाने लगेगी ना वैल्यू, यस 3 point something। सो इट इज लाइक कि 9 है और ये कितनी है 3 point something, कितने का मल्टीप्लाई करें नियर अबाउट, 3 से थोड़ा ज्यादा ना, 3 3 से थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा, तो ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज आपको जो लर्न करनी है वो मैं बता देता हूँ, ये रिलेशन लर्न करना है। सो मैं जिन चीज को सर्कल करूंगा वो चीजें लर्न करनी है। 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर को स्मॉल एल वाई से भी लिखते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि 1 parsec मतलब कितना होता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। सर हाँ, अभी मॉडर्न टाइम्स में ज्यादातर लाइट ईयर ही यूज होता है ना? लाइट ईयर यूज होता है क्योंकि पहले लाइट ईयर पता ही नहीं था ना, पहले क्या यूज होते थे, एयू और पार्सेक। तो वो हम रिलेट कर रहे हैं कि हमारे लाइट ईयर। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप थोड़ा सा, या आई विल बी स्क्रॉलिंग जस्ट अ बिट। तो पहले हमें लाइट ईयर याद रखना है, हमें पार्सेक की बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, ये, और फिर हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में भी याद रखना है और लाइट ईयर। अभी जो यूज होता है वो सारी लाइट ईयर यूज होते हैं, पुराने टाइम पे पार्सेक और एयू था जिसका हमने यूज देखा। बता, यहां तक क्लियर है सबको यार? ओके, वेरी गुड देन, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने पहले अभी डिस्टेंसेस के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया। सो अभी हमने एंगल डिस्कस किया और वो एंगल का यूज क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, समझ आया? यस सर। हमने देखा कि एंगल में हमने क्या चीज अप्रोक्सीमेट की और उसको कितना अच्छे से हमने यूज किया, ये सारी चीजें देखी, ठीक। तो ये तो था बेसिक, ये जो हमने अभी सीखा ये बेसिक फंडामेंटल था जो हमें चाहिए। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, अब हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में उनके, ठीक है। सो अब यहां से हमारा सेटअप स्टार्ट होगा, यूनिट्स। बताएं कोई यूनिट की डेफिनेशन, बताएं व्हाट इज यूनिट? समथिंग व्हिच हेल्प टू डिफाइन क्वांटिटी, टू डिफाइन। या वेरी गुड, समथिंग एल्स? यूनिट डेफिनेशन ऑफ यूनिट सर, मे बी यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी गुड, एग्जैक्ट द थिंग, इट इज अ, दीज आर द स्टैंडर्ड व्हिच आर यूज्ड टू मेजर एनी क्वांटिटी, ओके। सो यूनिट की बेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बताएं? These are standard reference. क्या standard reference? Standard reference assumed to measure or to define, to measure or define any physical quantity. Clear? Yes. अच्छा ये बताओ, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है विदाउट द यूनिट्स? नो नो, ओके, रिलेटिव। हाँ, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके, ठीक है। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ सर, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफाइन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सब कुछ है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो ही, ठीक है। जितने भी फिजिक्स में टर्म है रिलेटिव, उनका मतलब है दे आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो जब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दोगे तो दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव द यूनिट, नहीं, सम क्वांटिटीज आर डिफाइंड बाय
on their own. They do not need units. Okay? Clear na sabko? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So iska matlab ye, these are standard reference assumed to measure any physical quantity, but yahan par likhunga some physical quantities may not needs unit. Clear? Like जैसे आपने बताया, कोई भी रिलेटिव टर्म होंगे वो सारी चीजें रहेंगी, उनको यूनिट की जरूरत नहीं रहेगी. क्या? लाइक रिलेटिव डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. कोई और बताएगा कुछ और? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे रहेंगे. तो आप समझ गए उन चीजों को कि पॉइंट हमारा सिर्फ ये है कि वो क्वांटिटीज को जरूरत नहीं है कि उन्हें एज्यूम करने के लिए ये दिखानी ही चाहिए. अच्छा, यूनिट्स की बात है तो यूनिट भी फंडामेंटल और डिराइव्ड होते होंगे, तो सेम चीज हम यूनिट्स में भी यूज करते हैं. फंडामेंटल मतलब बेसिक वाली, इंडिपेंडेंट. फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं. सो क्या हो जाएंगे यूनिट्स? यूनिट्स यूज्ड टू डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्लियर? यस सर. फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो एग्जांपल क्या हो जाएंगे इनके? लेंथ से स्टार्ट कर लेते हैं. मीटर, 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 किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, सेकंड, एम्पियर, एम्पियर, केल्विन, केल्विन, डिग्री, मोल और कैंडेला. मोल एंड कैंडेला. ठीक है, सो दीज आर द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स. सो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है वैसे सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है. अब मैं इसमें लगा दूंगा एटसेट्रा. क्या मुझे ये लगाना चाहिए? या सर, विल यू प्लीज स्क्रॉल द स्क्रीन अप? या व्हाट, व्हाट हैपेंड? नो सर, आई जस्ट वांटेड टू नोट इट डाउन. या या, फाइन. एक्चुअली यस्टरडे ओनली इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड लाइक यू नीड नॉट टू राइट इट डाउन एवरीथिंग राइट नाउ. ओके, व्हाट थिंग शुड बी नोटेड डाउन प्रॉपरली व्हिच आर नीडेड टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन like a formula or something. You focus on that. If you missed it, you ask to note it down, okay? But for the other parts, I'll be posting the notes. Okay? So, okay, if something is missing or something you missed during the lecture, you can complete it then. Okay? Or, zaruri nahi hai ki aap pura full apna notes banaye. Maine kya bataya? सिर्फ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के जो मेन मेन फॉर्मूले हैं वो आप लिख सकते हो. द रेस्ट आर द थ्योरीज लाइक दिस. ये थ्योरी ये लिखने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी अवेलेबल इन माय नोट्स आल्सो. ओके, ओके सर. यस सर. हाँ, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. थ्योरी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स. सपोज जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये रिलेशन विच यू नीड टू लर्न अगेन एंड अगेन, ये रिलेशन आप माइंड में रख सकते हो. ओके, okay sir. Yeah, so fundamental units done. Then next, derived units. Sir, you were telling something about that etc. Yeah, yeah, etc. मैंने क्यों लगाया? Because units बहुत तरीके से define है. Like मैंने kg लिखा है, you know I can also write gram. Gram. Clear? तो इसका मतलब यूनिट्स बहुत सारे हैं. फंडामेंटल सेवन है, बट क्या यूनिट भी सेवन रहेंगे क्या? नो सर. नहीं, सिस्टम के हिसाब से चेंज होगा. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म एटसेट्रा. क्लियर? कि यूनिट्स सेवन है बट दीज
sorry fundamental quantity is 7 है, the units may be very different. जैसे देखो ना distance के लिए हमने क्या use किया, AU, light year, clear ना? Yes sir. हाँ, so units can be more than 7. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे units might be और a quantity ये लिखता हूँ a physical quantity physical quantity may have more than one unit. Clear? इससे clear रहेगा कि physical quantities more than one unit they can carry any quantities. Derived quantities क्या हो जाएंगी? Units of derived quantities. Yeah, quantity. Just simple लिख रहा हूँ. Units of derived quantities. Like other all other examples. Okay. Speed का लिखा हुआ था हमने क्या? Meter per second. Density का कोई volume का बताए? Meter cube. Density का kg per meter cube. Acceleration का meter per second square. बहुत सारे तो derived के तो हाँ कोई limit ही नहीं. Derived की कोई limit ही नहीं है. So units का just हमने basic point देखा कि what are the units. Okay. अब point आता है कि जब भी unit की बात आती है एक term use किया जाता है unit system. Okay. तो units जब भी हम सीखते हैं हम एक term देखते हैं क्या unit system. क्या होता है? सारे countries अपना आप अलग अलग unit system follow करते हैं. सारे countries. तो जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारे लिए वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक यूएस एंड ऑल वो सारे जो हाइट वगैरह है वो किस में मेजर करते हैं फिट में वो क्या बोलते हैं लाइक 5 feet 6 inches. क्लियर. लेकिन इंडिया में अभी नहीं जब से बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आया है तब नहीं उससे पहले जो था वो क्या रहता है इंडिया में जो चलता है वो चलता है लाइक 170 सेंटीमीटर. क्लियर. सो बहुत सारी कंट्रीज है जो फिट इंच ये सब देखती हैं बहुत सारी कंट्रीज है जो सेंटीमीटर मीटर इस तरीके से लिखती हैं. सेम गोज फॉर वेट. जैसे आपने देखा हो रेसलिंग कार्ड्स या किसी भी रेसलिंग का आपने कुछ भी मैच देखा हो तो आप रेसलिंग में देखें वेट किसमें लिखा होता है 210 lb ऐसे लिखा होता है. एलबी का मतलब होता है पाउंड. अब आप समझो हमें लगता था कि 210 केजी केजी तो नहीं हो सकता ना 210. सो अगर इस एलबी को आप कन्वर्ट करें तो नियरली हाफ केजी के से थोड़ा सा कम होता है. सो दिस विल कम अराउंड 95 केजी. सो इंडिया में ये चलता था यूएस तरफ पाउंड चलता है. ओके तो इसका मतलब ये कि डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं. तो फिर क्या हुआ एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई और एक सिस्टम दिया गया क्या एसआई सिस्टम. एसआई मतलब क्या है सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. ओके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो वो सारे कंट्रीज ने मिलकर बना दिया क्या एसआई सिस्टम है ताकि जब भी कभी एक कोई भी मीटिंग हो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे तो सब लोग अपने पेपर्स की जो भी वैल्यूज लाएंगे वो किस सिस्टम में लिख के लेके आएंगे हाँ जिससे सब लोग उसे समझ पाए. ठीक. अब देख लेते हैं वो सिस्टम्स क्या क्या है. तो सिस्टम की नेमिंग कुछ इस तरीके से है. नंबर वन एमकेएस सिस्टम. तो देखिये एमकेएस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है. एमकेएस सिस्टम ये आप बार बार सुनोगे क्योंकि इंडिया में ये चलता है एमकेएस. एमकेएस स्टैंड्स फॉर M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for seconds,
second. So these are the three major quantities. Like earlier I said, length, mass, time. इनके बेसिस पे सिस्टम बनाया गया. सो एम के सिस्टम का सिर्फ मीनिंग यही है जो अभी लिखा हुआ है. सेकंड सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम. ठीक है, सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम फिर से वही मीनिंग, सी जी एस. सो सी मतलब आप समझ गए, सी मतलब सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लेंथ ही यूज करेंगे. सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकंड. मतलब टाइम को तो सारे कंट्रीज में किस में रेफरेंस लेते हैं? सेकंड. थर्ड देख लेते हैं, एफपीएस. ये यूएस वगैरह में चलता है, एफपीएस सिस्टम. सो एफपीएस देख लेते हैं, एफ पी एस. एफ मतलब फुट. फुट लेंथ का यूनिट फुट एंड इंचेस यूज करते हैं. पी पाउंड, और एस सेकेंड ही रहता है. एस की कोई टेंशन नहीं है, एस सारी कंट्रीज में सेम पार्ट में कंसिडर करते हैं. अब यहां पर आता है थर्ड, क्या फोर्थ, एसआई सिस्टम. ओके, एसआई सिस्टम. ओके, एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दो चीजें हैं. दो चीजें हैं क्या? मोस्टली जो है, मोस्टली एमकेएस सिस्टम है ये. तो इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है? एमकेएस वाला. सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मोस्टली एमकेएस सिस्टम है, बाकी में साइंटिस्ट के नेम पर है. जैसे मैं बात करूं फोर्स का, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट क्या है? केजी. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कौन से सिस्टम में हो गया यूनिट? एमकेएस. क्योंकि लेंथ मीटर में है, मीटर में है, वेट केजी में है, और एस सेकंड में है. बट हमें पता है यार किसका यूनिट न्यूटन भी तो होता है ना. हाँ, यस सर. हाँ, वो तो साइंटिस्ट का नेम है ना. सो वो एसआई सिस्टम हो गया. क्लियर? सो मोस्टली एसआई सिस्टम मतलब किनके नेम रहेंगे? साइंटिस्ट के नेम रहेंगे. ओके ओके, सो मोस्टली एमकेएस सिस्टम एंड most of the units are named after scientists. Yes, most of the units are named after different scientists. Okay, ये हो गया SI system. अब point ये है, अगर हम बात करें कि इनमें सब में ऐसा क्यों क्यों हमें ये सारे system सुनने हैं. मैं ये भी तो बोल सकता था कि यार सिर्फ एमकेएस पढ़ लो. ये सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं कि फिजिक्स में एक प्रॉब्लम है. क्या फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है? ओके, इन अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, इन अ सिंगल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिंगल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस क्वांटिटीज, देन then all the quantities must be used
in a they must be used in same unit system. ठीक है, मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब बहुत ही स्ट्रेट एग्जांपल से समझाता हूं. क्या सपोज मैंने आपको बोला कि फोर्स निकालो, फोर्स इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. व्हेन और फाइंड एक्सेलरेशन when 100 newton is applied on 40 gram or let's say on 200 gram ball. okay, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? solving में बहुत ही simple है. क्या रहेगा? F is equal to MA. MA. So then A is equal to क्या लिख सकता हूँ? F upon M. F upon M. So इसका मतलब ये है कि F हुआ हमारे पास कितना? 100. और ये हुआ 200 gram. आंसर क्या आ गया? 1/2 मतलब 0.5 meter per second square. ठीक. तो ये जो रहेगा हमारा, ये हमारा wrong हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एक बार में एक ही सिस्टम यूज करना है. ये किस सिस्टम में है? न्यूटन. मतलब कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम. जबकि ये किस में आ गया? टीजीएस में. ग्राम यूज किया ना हमने, और ये आंसर क्या आ गया? एमकेएस. भाई साहब, ये सब नहीं चलेगा कि एक SI यूज कर रहे हो, MKS यूज कर रहे हो, CGS यूज कर रहे हो, ये नहीं. अगर SI यूज किया तो SI के साथ कौन सा सिस्टम चलेगा? MKS. तो इसका मतलब ये हुआ कि SI के साथ MKS यूज करोगे तब MKS, CGS नहीं यूज कर सकते हो. सो CGS सिस्टम कैंट give answers in MKS. okay, in MKS. तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि CGS system cannot give answers in MKS. तो हमें क्या करना चाहिए था? फिर दोनों को MKS और SI में ही रखना चाहिए था. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 divided by 0.2 kg. हाँ, 0.2 kg. yes. 500. clear. तो 500 मीटर पर स्क्वायर. ये करेक्ट आंसर होगा. समझ आया? यस सर. हाँ यस सर. एसआई चलता है. एसआई सिस्टम इज लाइक एमकेएस. ये एमकेएस है. आंसर भी किसमें आएगा? एमकेएस. तो अभी समझ आया कि यूनिट सिस्टम क्यों ध्यान देना है इतना, क्योंकि आंसर गड़बड़ हो जाएगा विदाउट द यूनिट सिस्टम. ओके. यस सर. यस सर. हाँ सर, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, यूनिट पुट कर सकते हैं और फिर ऐसे हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उसे. नहीं, बात ठीक है, घर कुछ भी सकते हैं, हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट वो जो यूनिट पुट करोगे और बाद में वो जो हिसाब से मैनेज करने के लिए स्ट्रेस डालोगे, वो स्ट्रेस ही बता रहा है कि वो नहीं करना है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रेस आप सारे यूनिट किसमें रखो? सेम. तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके. बाद में भी कर सकते हो, मैं ये थोड़े ना बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, बट पॉइंट वही है कि आपको पता है ना कि योर आंसर इज रॉन्ग, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसे वापस से करेक्ट कर सकते हो. नो इश्यूज. ओके. बट याद रखना है कि यूनिट सिस्टम मिक्स नहीं करना है, एमकेएस के साथ सीजीएस ऐसे बीच में नहीं लेके आना. ओके. एक और एग्जाम्पल दू क्या इसमें? एक और एग्जाम्पल दू? यस सर, चलेगा. ओके. 150 ग्राम ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड, देन
फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन जूल. इन जूल बताएं. 0.15 to 20. हाँ, तो पॉइंट यहाँ पर ये, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी आप अगर ऐसे लिख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर और आप लिख रहे हैं हाफ इंटू एम आपने लिखा 150 और वी लिखा किसमें 20 का स्क्वायर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम देखना 150 किसमें है? CGS. CGS में है. CGS में. और जबकि 20 मीटर पर सेकंड मतलब MKS में, तो ये नहीं यूज कर सकते. हमें दोनों किसमें यूज करने चाहिए? MKS में. MKS. क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा हाफ इनटू MKS. तो 150 को किससे डिवाइड कर दें? 1000. तो ये केजी में आ जाएगा, बाकी 20 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्विंग तो आप समझ ही गए, मतलब एक जीरो कैंसिल आउट होगा. ये हाफ इनटू 15 इनटू 15 बाई 100 इनटू 20 इनटू 20. तो दो जीरोस भी कैंसिल हुए, क्या आंसर आ गया? 30 जूल. यस. क्लियर? अच्छा, एक चीज और. ये देखो, मैंने यहाँ पे कैपिटल जे लिखा है जबकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? जूल फुल. ठीक है, तो एक यूनिट्स को लेके थॉट भी होता है कि यूनिट्स को कैसे लिख सकते हैं कैसे नहीं लिख सकते हैं. ओके. हाँ सर. तो वो देख लेते हैं कि यूनिट्स को कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता है. ओके. तो मैं यहाँ पर यूनिट्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेता हूँ. क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स? ऑफ यूनिट्स. देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, पहला नंबर वन, आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं. तो पहली बात हमेशा ध्यान देना है, यूनिट्स को कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते हैं. क्लियर? सो द सिंबल ऑफ अ यूनिट इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्मेट. मतलब ये है कि आपको लिखना है तो 10 kg. इट इज फाइन. केजी क्या है? सिंबल ऑफ किलोग्राम. मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं. 10 kg. तो 10 kg को सिंबल में हम क्या लिख सकते हैं? 10 kg. हम इसे 10 kgs नहीं लिख सकते हैं. आप सुनते हैं ना, कई बार बोलने में हम बोल देते हैं kgs. क्लियर? आप सुनते हैं ना, 10 kgs. kgs सिंबल में लिख नहीं सकते हैं. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये करेक्ट है जबकि ये रॉन्ग है. क्लियर? ओके सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. सिंबल वाला पॉइंट समझ आया कि प्लूरल में यूज नहीं करना है इसे. यस. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट, बीच में डॉट नहीं लगा सकते हैं. ओके, सो फुल स्टॉप्स आर नॉट यूज्ड इन बिटवीन. ओके, इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि एक एग्जांपल वाइज देख लेते हैं. सपोज मैंने आपको बोला 20 cm. ठीक है, 20 cm. तो यहां पर ऐसा लगा सकते हैं 10 kg. ठीक, लेकिन उसके सिंबल में ऐसा नहीं लगा सकते हैं. तो 10 kg लगा सकते हैं, 20 cm लगा सकते हैं, लेकिन जब उसका सिंबल लिखेंगे तो हमें क्या करना है? सिंबल में 20 cm में फुल स्टॉप नहीं लगाना है. क्लियर? यस सर. इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा 20
सेंटीमीटर, इसे हम 20, आप देखते हैं ना बहुत लोग की हैबिट होती है ऐसे लिख देने की, सेंटीमीटर डॉट ऐसा, तो ये सब नहीं लिखना है, क्लियर? ये यूनिट्स को लेके क्लियरिटी है सबको? यस सर। ये करेक्ट नोटेशन है और ये इनकरेक्ट है। डन। ओके, और एक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर हम साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं, व्हेन अ यूनिट इज by the name of a scientist, then its first letter, sorry, name of the scientist, then its first letter is not capital. मतलब अगर मुझे यूज करना है क्या 20 न्यूटन, तो ये गलत है यार। इंस्टेड क्या होना चाहिए? पेन स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल, ये तो ये बिल्कुल भी फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि नहीं यार, यूजुअली जब किसी साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं तो फिर कैपिटल ही लिखते हैं ना, बट याद रखना है कि यूनिट्स के केस में ऐसा नहीं करते। यूनिट्स के केस में उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं? स्मॉल। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने यहाँ पे लिखा था जूल, तब पहले मैंने क्या लिखा था? कैपिटल जे, फिर बाद में मैंने इसे चेंज किया। किसी ने नोटिस किया था क्या? ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर देना है कि जब कभी साइंटिस्ट के नेम को यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन व्हेन सिंबल इज यूज्ड, व्हेन सिंबल इज यूज्ड फॉर साइंटिस्ट नेम, देन इट हैज टू बी कैपिटल लेटर, देन it should be capital letter, clear? Yes sir. ये दोनों points थे, I guess ये clear है क्या? कि अगर आप 20 newton लिख रहे हो, so 20 newton ये incorrect है, 20 newton incorrect है, even इसे क्या लिखना 20 या फिर small n लिखना, ये भी incorrect है। correct version क्या है? 20 न्यूटन, और जब इसका सिंबल यूज करेंगे तब क्या लिखेंगे? कैपिटल न्यूटन, कैपिटल एन, या फिर मैं बात करूं 20 या फिर लेट्स से 40 जूल, सो जूल स्मॉल जे, बट जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? कैपिटल जे, क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर, ये लिखना रॉन्ग है, ऐसे भी लिखना रॉन्ग है, ये एकदम करेक्ट वर्जन है और ये उसका शॉर्ट फॉर्म है करेक्ट वाला। सेम चीज जूल लिखना है तो ये इसका करेक्ट वर्जन है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है करेक्ट वर्जन, क्लियर? यस सर। हाँ, सो ये पॉइंट्स है हमारे यूनिट्स को लेके कि यूनिट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, कौन सा सिस्टम वगैरह यूज करना चाहिए। ठीक, अभी थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, अभी क्या पॉइंट है नेक्स्ट की यूनिट्स को और किस तरीके से यूज करते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके, सो आज बताया, आज का लेक्चर सबको क्लियर समझ आया क्या? यस सर। पक्का? तो आज हमने यार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, कोई समराइज करेगा मेन पॉइंट्स? सर वो एंगल के बारे में। हाँ, पहले तो हमने एंगल डिस्कस के बारे में रिवीजन किया, फिर वो अर्थ और सन के डिस्टेंस, वो डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंसेस कैसे निकाल लिए, आउट कैलकुलेट लार्ज डिस्टेंस आर्क और वो से, फिर प्लैनेट्स की डिस्टेंसेस,
वो डायमीटर को फाइंड फिर उसका वो we learned some important terms such as light year au parsec very good very good then we started units okay and use of units and everything okay so cgs mks cgs mks all the system or wo system ko kya use hai physics mein kyun hame unko segregate rakhna hai sari cheeze wo discuss kiye theek hai ठीक है यार तो आज के लिए काफी है एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग तो सारी चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूनिट में आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेलिंग्स ओके यस सर ओके एवरीवन बाय बाय देन थैंक यू सर बाय बाय सर बाय बाय